हेलो फ्रेंड्स, कोई भी त्योहार हो, होली हो या फिर दिवाली, मिठाई के बिना हमारा त्योहार अधूरा सा लगता है। तो आज मैं आप सभी के लिए परफेक्ट तरीके से बासुंदी कैसे बनाई जाती है, एकदम बाजार से भी बढ़िया, घर पर आसान तरीके से परफेक्ट तरीके से हम बासुंदी बनाएंगे। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी बासुंदी एकदम परफेक्ट, बाजार से भी बढ़िया, एकदम टेस्टी बनेगी और घर के सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो सबसे पहले बासुंदी बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1.5 लीटर दूध ले लिया है। दूध यहाँ पर हमें फुल फैट दूध ही लेना है ताकि हमारी बासुंदी एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली बने। तो यहाँ पर मैंने एक ज्यादा तले वाली कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए उबाल लेना है। तो जब तक हमारे दूध में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता तब तक इसे हमें चलाते रहना है ताकि हमारे दूध नीचे से तले पर चिपक ना जाए और अच्छे से हमारा दूध उबलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से साइड में जो मलाई जम जाती है उसे हम साइड से किनारियों को निकाल कर अच्छे से दूध में मिक्स करते जाएंगे। इस मलाई से ही हमारी बासुंदी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अब हमारा दूध उबलना शुरू हो चुका है, तब इसमें हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद हम 2 चम्मच काजू के टुकड़े ऐड करेंगे, 2 चम्मच बादाम के टुकड़े और 1 चम्मच पिस्ता के टुकड़े ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब उसके बाद हम आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच जितना हम जायफल पाउडर ऐड करेंगे जिसको नटमेग पाउडर भी बोला जाता है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दूध में थोड़ा सा केसर घोल कर रख दिया था गर्म दूध में, तो वो ऐड कर देंगे। इससे हमारी बासुंदी का कलर भी हल्का सा पीला आएगा, केसरिया कलर, और हमारी बासुंदी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इस दूध को 1/3 जितना ना रह जाए तब तक इसे हमें उबालते रहना है। तो अच्छे से इसको लगातार चलाते रहेंगे और साइड में जो किनारे से मलाई जम जाती है उसे हम बीच में इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इससे हमारे बासुंदी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और एकदम हमारी क्रीमी टेक्सचर वाली बासुंदी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एकदम गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पर एकदम गाढ़ी, एकदम बाजार जैसी बासुंदी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम मलाईदार और एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी बासुंदी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको हम ऊपर से थोड़े से पिस्ता और केसर से गार्निश कर लेंगे और इसे सर्विंग कर लेंगे। यह बासुंदी एकदम बहुत बढ़िया टेस्टी बनती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हमारी गाढ़ी क्रीमी टेक्सचर वाली बासुंदी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी नई नई रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।